मुझे लगता देर हुई है इंदौर में। मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएं, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्दी हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। ऐसे लोग इंसान नहीं है, मानवता की दुश्मन है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने निकले, उन पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सख्त कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत भी कार्रवाई इन पर होगी, सख्त सजा देंगे। प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर काम करने गए थे, उनमें से अधिकांश वापस लौट आए। जो बाहर के प्रदेशों में है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है, दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो मध्य प्रदेश में हमारे मजदूर भाई और बहन आ गए हैं, उनको हमने अपने घरों में ही आइसोलेशन में रखा है, उनका चेकअप हो रहा है, जरूरत पड़ने पर दवाई की व्यवस्था की जा रही है, निःशुल्क राशन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, ये कोशिश हमारी है। है कि हम बिना काम से घर के बाहर नहीं निकले, तभी हम शहर को बचा सकते। सर, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में और एनजीओ में आपस में तालमेल की कमी है, सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब ने अभी ज्वाइन किया, डीआईजी साहब ने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा नया नया प्रशासन संभालने में और एकदम बहुत बड़ी समस्या सामने। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर पुराने समय में जो कुछ कमियां थी उसको भी ठीक करना और अभी भी सबको साथ में लेके चलना। प्रशासन कोशिश कर रहा है, जो कमियां थी वो हमने भी उनको बताई है, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको ठीक करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक दो दिन के अंदर जो आपको कोऑर्डिनेशन की अधिकतर केस होता है 11 बजे 7 बजे, अभी हमने वो भी बात की कि एक सरकार की ओर से रोज एक 11 बजे और एक 7 बजे प्रशासन की ओर से एक बुलेटिन प्रसारित हो जाए, जिससे पत्रकारों को भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक 11 बजे कहीं पर भी एक स्थान पर और 7 बजे कहीं एक स्थान पर, एक पूरे लाइन ऑर्डर का मेडिकल बुलेटिन सब एक साथ जारी हो जाए, जिससे लोगों को अफवाह फैलाने का मौका भी नहीं। सर, मरकज पे भी कुछ लोग इंदौर आने की सोच रहे हैं लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी मिली थी कि 86 लोग, पर ऐसा अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ दो लोगों की जानकारी मिली थी, तो दोनों लोग दिल्ली के अंदर ही आइसोलेशन के अंदर है। सर, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मरकज में हुआ, इतनी तादाद में लोगों का वहां होना, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाना, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अक्षम्य अपराध है, पर अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं। अभी सरकार ने इसको सीरियसली लिया है, इसलिए इस प्रकार के कृत्य करने वालों की मैं निंदा करता हूँ। सर, पूर्णतः लॉकडाउन इंदौर में सर कब तक, कुछ रियायत की संभावना आने वाले समय में कब तक? नहीं, अभी नहीं होना चाहिए। अगर इस शहर को बचाना है तो रियायत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मतलब मैं भी 9 दिन के बाद आज घर से बाहर निकला। ये सर बड़ी राशनों को लेकर सर हम करेंगे उसको ठीक। हम प्रशासन के साथ तालमेल करके हम सामाजिक संगठनों से ही बात कर रहे हैं और आपको 2-3 दिन के अंदर इसमें कुछ सुधार। आपने कहा केंद्रीय नेताओं से बात की जाएगी, गृहमंत्री से भी बात करने के बाद अपने कई डॉक्टरों की सुरक्षा। मैं अपनी अपनी रिपोर्ट दे चुका हूँ गृहमंत्री जी को और केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग करने की तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो मरकज वाली घटना है उसको सेंसेशन नहीं बनाया जाना चाहिए, सेंसेशन नहीं बनाया जाना चाहिए मरकज वाली घटना। देखिए, ममता जी को सिर्फ वोट की चिंता है, उनको देश की चिंता नहीं, उनको समाज की चिंता नहीं। जिस प्रकार की वो घटना हुई और वहां से जो संक्रमित होकर लोग घूम रहे हैं, वो मानव बम की तरह घूम रहे हैं और इसलिए
उन लोगों को अपने आप प्रशासन के सामने सरेंडर करना चाहिए। प्रशासन उनको आइसोलेशन में रखेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेगा, कम से कम वो समाज में संक्रमण फैले तो नहीं। इसलिए ऐसे लोग, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि इंदौर से कुछ लोग गए, प्रशासन को भी जानकारी नहीं, मुझे भी नहीं जानकारी, अफवाह फैली थी कि 86 लोग गए हैं, पर पूरी छानबीन करने के बाद पता नहीं लगा। पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली अगर उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ लोग गए हों तो उनको अपने आप प्रशासन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। प्रशासन उनके ऊपर कोई अपराधी मुकदमा कायम नहीं करेगा, बल्कि उनकी मेडिकल मदद करेगा। मतलब कुछ लोग ऐसे जो बचना चाहते हैं उनमें से नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये पहले से आगे वाले काम कर रहे हैं। आपने अप्रिशिएट कर आपकी हिम्मत को, आपकी सर्विस को, और इस समय तो आप देवदूत हैं। मतलब आपकी जरूरत समाज को बहुत बहुत कम समय आता है जीवन के अंदर जब किसी व्यक्ति की समाज को जरूरत, ये आपको सौभाग्य मिला। बिल्कुल अभी काम करिए, आपकी आप एरिया भी चेंज करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको सिक्योरिटी पूरी सोचियर में, और आपके पास फोर्स के साथ सेंट्रल फोर्स को जो मंत्री से बात करूँगा आ रही है क्योंकि मेरी सीएम साहब ने दो बार बात की, सीएम साहब ने बोला कि मैं बता रहा हूँ कोशिश सेंट्रल फोर्स सिक्योरिटी पूरी होना चाहिए, कैसे जाएंगे फिल्ड में अगर काम करने वाले आदमी को सिक्योरिटी नहीं कैसे काम करेंगे। आप चिंता मत करिए, पूरा प्रदेश आपके साथ, पूरी सरकार आपके साथ है, और सरकार के अलावा पब्लिक भी आपके साथ। आप सोशल मीडिया देखिए जरा, क्योंकि आपको आपके प्रति लोगों का गुस्सा है, मतलब आपके खिलाफ, आप जो जिन लोगों ने कहा उनके खिलाफ गुस्सा है, सोशल मीडिया जरा खोल के देखिए। मैं तो सिर्फ आया इसीलिए हूँ, ये इसका रिपीटेशन इस शहर के अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम तो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब ये मैदान में हम भी मैदान में, दो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में थी, उनकी परियोजना से हो चुकी, वो छतरीपुरा से यहाँ तक